मेरे भाई को इसी नफरत नहीं तो मारा है, अगर मेरा भाई अगर कहते था कि मैं हिंदू हूँ तो आदमी मारता ही नहीं। अच्छा तुम हट्टे कट्टे अच्छे इंसान को मारते तो तुम्हारे लगता है वो बेचारा पहले मरा हो उसको क्या मारोगे तुम? पहले चार दिन से वहाँ घूम रहा था, भूखा था, सा यहाँ से वहाँ भटक रहा था। भारत देश में 25 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मोहम्मद या किसी करके ना उसको खत्म कर दे। मध्य प्रदेश में बीते दिनों एक और लिंचिंग की घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति को मुसलमान समझकर पीटा जा रहा है। बुजुर्ग व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पीटकर मार दिया जाता है क्योंकि आरोपी को यह लगता है कि वह बुजुर्ग व्यक्ति मुसलमान है। यह घटना मध्य प्रदेश के नीमच जिले का है। इस घटना के बाद वीडियो में दिख रहे बुजुर्ग व्यक्ति भंवरलाल जैन की मौत हो जाती है और पुलिस को सड़क के किनारे से उनका शव मिलता है। 65 वर्षीय भंवरलाल जैन को पड़ोसी जिले रतलाम के एक निवासी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया और इस मामले में आरोपी बीजेपी की एक पूर्व स्थानीय पार्षद बीना कुशवाहा का पति दिनेश कुशवाहा है। भंवरलाल चित्तौड़गढ़ में अपने परिवार से बिछड़ गए थे। वो और उनका परिवार साल में एक बार हमेशा चित्तौड़गढ़ जाता था। इस बार भी वो सब परिवार वहाँ गए हुए थे। जैसे हम पूजा पाठ से निपटे और देखा हमने कि यार हमारे भाई साहब तो यहाँ है नहीं, फिर हम हमारे भाई साहब को ढूंढने निकल गए और वहाँ पे किले पे चौकी है, चौकी पे भी हमने खबर करी थी। उसके बाद दूसरे दिन 17 तारीख को दिन भर हमारे भाई साहब को उधर ही ढूंढा और शाम को चित्तौड़ थाने पे हमने गुमशुदे की FIR दर्ज करवाई। उसके बाद हमको एक बस वाले ने बताया कि भैया आपके भाई साहब को तो मैं बिठा के ले गया हूँ और जावरा का बोला है और जावरा का मैंने किराया 180 रुपये लिया है और मैंने उनको निमाड़ा में चाय पिलाई और निमाड़ा से फिर मैंने उनको गुमनामी बस में बिठाया है। उसके बाद फिर हमने देखा हमारे भाई साहब जावरा नहीं आए, फिर हम लगातार उनको ढूंढते रहे। इसके 5 दिन बाद चित्तौड़गढ़ से लगभग 200 किलोमीटर दूर मनासा में पुलिस को एक वृद्ध व्यक्ति का शव मिला। दिनांक 19 मई को हमें एक डेड बॉडी मिली थी जिनकी पहचान नहीं होने से हमने उनके परिवार तक उनकी सूचना देने के लिए, उनकी पहचान कारित करने के लिए बॉडी को फ्रीजर में सिविल अस्पताल मनासा में रखवा दिया था और सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल प्लेटफॉर्म पर हमने उक्त व्यक्ति के फोटो को, उनकी जानकारी को वायरल किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मात्र 6 घंटे में ही शिनाख्त हो पाई और जो मृतक थे उनकी पहचान के रूप में भंवरलाल जी जैन, जो गांव सरसी जिला रतलाम के होना पाए गए, उनके परिवार वाले राता आए। राता हम सभी ने उनका PM पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई, पैनल से PM कराया। इसके कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर वह वीडियो वायरल हुआ जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही थी। शाम को 20 मई को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मृतक स्वर्गीय भंवरलाल जी के साथ में एक व्यक्ति मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा था। उक्त वीडियो को हमने तत्काल संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेकर के मृतक के परिवारजन भी थाने पर आ गए थे और उनकी रिपोर्ट पर हमने जो व्यक्ति मारपीट कर रहा था उसको तत्काल चिन्हित किया और उसकी पहचान करके उसका नाम दिनेश कुशवाहा, जो काशी मोहल्ला मनासा का है, उसके रूप में पहचान हुई, जिसके विरुद्ध हमने 302 और 304 Part 2 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण दर्ज किया। अगर ये वीडियो हमारे पास नहीं आता तो हमको मालूम पड़ती नहीं कि हमारे भाई साहब, हम तो ये सोच रहे थे कि चलो भैया कैसे कुछ कारण से शांत हो गए, लेकिन जैसे ही वीडियो देखा और वीडियो देखा तो उस वीडियो के अंदर वो जो शख्स भैया को पीट रहा था वो नाम भंवरलाल बता रहे थे, लेकिन वो शख्स मोहम्मद करके पीटा जा रहा था और उनके पास से कुछ रुपए थे वो भी उस शख्स ने छीन लिए थे। भंवरलाल जैन का परिवार बताता है कि वे मेंटली चैलेंज्ड नहीं थे जैसा कि खबरों में बताया जा रहा है। नहीं, मेरा भाई मेंटली चैलेंज नहीं था, मेरा भाई सिर्फ साधारण और भोला इंसान था और सीधा साधा इंसान था, वो कोई मेंटली नहीं था। क्योंकि गाँव में भी आप किसी के आदमी को यहाँ पूछ सकते हैं कि हमारा भाई कोई, बिल्कुल हाँ ये बात थी, वो सीधे साधे और भोले इंसान थे। वो बेचारा
बोल ही रहा है कि मैं तो भंवर लाल हूँ, आईडी बता, बेचारे को चट चट करवा रहा है। वो तो सब बोल ही रहा है, बेचारा अच्छा भला था, उसको क्या मालूम, ऐसे मार रहा था उसको। तो वो तो कमज़ोर था पहले, क्योंकि खाना बहुत कम, तो कमज़ोर ही था वैसे। मैं 4 दिन गुम हो गया और पैसे भी चले गए, बस में लग गए कोई पैसे, बच्चे थे ले लिए, तो उसके पास कुछ था ही नहीं, हम किसी से बोलता ही नहीं, भले चाहे भूखा रहता, किसी से कुछ मांगता थोड़ी था, तो किसी से यहाँ पे भी कभी कुछ 1 रुपये काम नहीं उसका। सबको बोला उसने वहाँ पे भी 2 दिन में कि मेरे को जावरा जाना, किसी ने हेल्प ही नहीं करी उसकी वहाँ 2 दिन में। सब बोलते अब बोलने से क्या, तो बोले बोल रहा था यहाँ पे जो उसको मिल, बोले मेरे को जावरा जाना, किसी ने हेल्प नहीं करी, उसके पास पैसे नहीं थे, वो तो खुद ही आ जाता गाड़ी में बैठ कर। परिवार के अनुसार घर की देख रेख भंवर लाल ही करते थे, वो अपनी माँ के सबसे बड़े सहारा थे। उनकी मौत की खबर सुनने के बाद उनके मुंह से एक निवाला तक अंदर नहीं जा रहा है। मेरे भाई ऐसा ही था ना, सीधा साधा कोई सम्मुख किसी को बोल तो कुछ भी, घर में मम्मी को नहीं छोड़ता था मैं, 24 घंटे पेरा था। अब मेरे पापा चले गए तो उसके बाद उसी का सहारा था, कोई भी आए जाए तो ध्यान को, मेरे पप्पू बाहर रहते हैं इधर उधर, मम्मी का उनका ध्यान रखना, कोई भी आए तो बात कर ले, यूँ बैठा रहे लगे ना घर में कोई है। और मम्मी का तो रात दिन पूरा ध्यान रखता, मम्मी से बिस्तर में रहती है अधिक, अभी तो चल फिर रही है, ये मम्मी अधिक है ना कमर की वजह से बिस्तर में ही रहती है। अरे याद तो कहीं ही नहीं गया, आज मतलब सबसे मुखी बेटो थो, ऐसा ना खाऊं भवे तो दिन बाद आखिर होने में छुट्टी मर सो ही उलट रहे हो क्या, या फिर कहीं नहीं करो मैंने थे यो कहीं कर ला। यह परिवार शुरुआत से ही भाजपा से जुड़ा रहा है, परिवार के लोग भाजपा से लड़कर चुनाव भी जीत चुके हैं। हाँ, हमारे जावरा में ब्रदर हैं, अभी भी वर्तमान में वो सरस्वती शिशु मंदिर के अध्यक्ष हैं और 3 बार जावरा में पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। और अभी मेरी माता जी 90 साल की उम्र है, वो भी अभी सरसी गांव में सरपंच है। आपका भी परिवार मतलब भाजपा को समर्थन देता है और भाजपा से? हाँ। हमने राजेश जैन से यह भी पूछा कि क्या उनकी अंतरात्मा इस बात को स्वीकार करती है कि हिंदू मुस्लिम की नफरत की राजनीति ने ही उनकी भाई की जान ली है। हाँ, मेरे भाई को इसी नफरत ने तो मारा है, अगर मेरा भाई अगर कहते था कि मैं हिंदू हूँ तो आदमी मारता ही नहीं, उस आदमी तो मुस्लिम समझ के ही मेरे भाई को मारा है। उसके बाद गृह मंत्री जी का बयान आया था कि हम परिवार के संपर्क में है, लेकिन गृह मंत्री जी ने हमारे से कोई संपर्क नहीं किया और ना कोई बात की, और ना कोई प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी ने हमसे कोई बात की। नहीं, बिना मतलब के किसी की जान कैसे ले सकते, बिना मतलब से क्यों मारोगे किसी को। फिर मेरे भाई तो अच्छा, तुम हट्टे कट्टे अच्छे इंसान को मारते तो तुम्हारे लगता है, वो बेचारा पहले मरा हुआ उसको क्या मारोगे तुम, वो पहले 4 दिन से वहाँ घूम रहा था, भूखा था, ऐसा यहाँ से वहाँ भटक रहा था, और फिर तुमने उसके ऊपर दादागिरी करी। नहीं, वो तो देखना था कि ये कैसा इंसान है, फिर उसके ऊपर दादागिरी करते आप। वो हम तो घूमते फिरते तो दिमाग में तो वही लगता ना, भैया के साथ ऐसा हुआ, भैया के साथ ऐसा हुआ। आज जो सीधा साधा था वो किसी को तू, उसके साथ ऐसी घटना हो गई तो आत्मा तो हम तो जिएंगे जब तक उसकी हो ही रहेगी। घर से जाता तो जितना नहीं लगता, जितना वो वहाँ से ऐसा गया। हमको तो ये लगता है कि उन्होंने सिर्फ मोहम्मद मोहम्मद करके पीट पीट कर हमारे भाई मार डाला, लेकिन ये सरासर सर्वसार घटना है, क्योंकि भारत देश में 25 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मोहम्मद या किसी करके ना उसको ख़त्म कर दे, ये तो एक शर्मनाक घटना है, और मुसलमान समझ के ही हमारे भाई को उस शख्स ने मार डाला। परिवार अब यह चाहता है कि दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए और न्याय एक नज़ीर की तरह पेश हो। अगर कोई भी वर्ग हो, शासन किसी का भी हो, लेकिन सरकार को न्याय तो उसके साथ बराबर करना चाहिए। जब हमारा भाई पीट पड़ के उस आदमी ने मार डाला, इसी जगह अगर हमारे पास मुख्यमंत्री जी का कोई संदेश या मुख्यमंत्री जी इस पर कोई स्टेटमेंट दे देते, या गृह मंत्री जी किसी इंसान यहाँ पहुँचा देते, हमारे दिल में शांति होती। लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री जी ना अभी तक तो कोई स्टेटमेंट दिया है, ना गृह मंत्री जी कोई हमारे संपर्क में रहे। जो भी तो वी को बदलो तो इन्हें ले लो, चाहे थम बने कटे भेजो, भले मारो, भले कूटो, भले ले जाओ, कहीं देखो मर तो कोई छोरा बदलो ले। मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनको कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और मैं यहाँ तक कि उनको फांसी की सज़ा दी जाना चाहिए, क्योंकि आगे भविष्य में भी कोई भी व्यक्ति ऐसी नफरत की आग में नहीं झुलझे और ऐसे निर्दोष लोगों को, भोले भाले इंसान को किसी धर्म के नाम पर पीट पीट कर नहीं मारे।
तो फिलहाल इस मामले में आरोपी दिनेश कुशवाहा पुलिस रिमांड पर है और उसने पुलिस के सामने इस आरोप को कबूल भी कर लिया है। कल आरोपी दिनेश कुशवाहा से हमारी पूछताछ हुई है तो उनने इस चीज को स्वीकार किया कि उसने ही वृद्ध के साथ में मारपीट किया और जितना वीडियो में दिख रहा उतना ही नहीं किया है, उससे पहले भी उनके द्वारा मारपीट किया गया और बाद में भी मारपीट किया गया। उससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि उसके द्वारा क्यों वृद्ध भवनलाल जी जैन साहब के साथ मारपीट की गई है, घटना किन परिस्थितियों में हुई, घटना का उद्देश्य क्या है और घटना में और कोई लोगों की संलिप्तता तो नहीं है। इन सभी बिंदुओं पर हम जांच कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं और अनुसंधान में जो तथ्य आएंगे उसके तथ्य के अनुरूप हम आगे कार्रवाई करेंगे और विवेचना। SHO मनासा के अनुसार पुलिस कोर्ट से इस मामले में रिमांड को आगे और बढ़ाने की मांग करेगी। पुलिस के अनुसार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे अगर और भी लोगों की इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार की यह मांग है कि इस मामले में दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी इंसान को धर्म के नाम पर इस तरह से मारने की सोच भी ना सके। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.